लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चाचा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना? बड़ी हो गई? मेरी बेटी तो इससे भी बड़ी हो गई है। मेहरबान, अगर आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो मेरी बेटी के लिए देख लीजिए, क्योंकि उसकी शादी की फिक्र मुझे खाए जा रही है। क्यों? चाचा, ये आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटी। मुझे मालूम है, मेरे लिए गिफ्ट लाए ना। नहीं नहीं नहीं। हाँ, मुझे मालूम है, मुझे दिखाइए प्लीज, दिखाइए ना। चलिए ऑफिस में चलकर फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। चलिए। मेरे स्कूल की सब लड़कियां पास हो गई हैं, सब बड़ी हो गई हैं, मगर मेरी बेटी की शादी अभी तक नहीं हुई। अच्छा, तो यही है तुम्हारे चाचा? हाँ। दिखाना क्या लाए हैं तेरे लिए फॉरेन से। चाचा को देख के आज मुझे अपने बाबा की याद आ गई। टीना, लगता है तुम्हारे चाचा अभी भी तुम्हें बेबी समझते हैं। ये रहा तुम्हारा तोहफा। क्या है, है, है? चाचा ने समझा कि मैं अभी तक वैसी की वैसी छोटी ही हूँ। तो सही तो समझा, अकल के डिपार्टमेंट में तो आप अभी तक छोटी ही हैं। नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। आप बड़ी हो गई? चलिए हम भी देखें कितनी बड़ी हो गई आप। छोकरी खूबसूरत है रे बाबूजी, छोकरी इधर भेज दो। अच्छा, तो एक और बाकी है। घबराओ मत बहना, कबीरा का है कहना। Not bad. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर, मुझे हाथ मिलाओ दोस्त। बच्चे अभी तक कच्चे हो, दोनों टक इतना भी नहीं समझे कि तुम हमें नहीं मार रहे थे, हम मार खा रहे थे। फाइटर एसोसिएशन, तुम्हारा ड्रामा खत्म, अब फूटो। खैर, हमें तुम्हारा हीरो पसंद आया। फाइट के लिए ताकत की ही नहीं, जिगर की भी जरूरत होती। तुम्हारा नाम? मोंटी। काम? जी, गाना गाता हूँ। गाना तो मैं भी गाता हूँ, काम क्या करते हो? चाचा, ये बम्बई में बहुत बड़ा सिंगर है। दोनों टप, सिंगर तो सभी होते हैं, रोटी रोजी का क्या इंतजाम है? जी, से गाने से चलता है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। नॉट बैड, भगवान को भी मानता है। जी। तुम टीना से प्यार करते हो? जी हाँ। शादी का इरादा है या सिर्फ गाने गजल तक का ही साथ है? जीवन साथी बनाने का इरादा है। दायां बायां? यस सर। जो लड़का लड़की की करे हिफाजत, उसको शादी की है इजाजत। चाचा, थैंक यू वेरी मच सर। सर नहीं, कबीरा। क्या उम्र है तुम्हारी? जी ये कोई 21 बरस का हूँ जी। लेकिन देखने में ये अबोध बालक 16-17 का लगता है। अरे प्यार में तो बूढ़ा भी जवान लगता है। लड़की शीरीन और लड़का फरहाद लगता है। बच्चों, तुम लोग कबीरा के इम्तिहान में पास हो गए, अब तुम लोग जाकर गाना वाना गाओ, यानी कि डू इट सॉन्ग, यानी कि जुगल गान। चलो ना मोटी, जल्दी चलो चलो। दायां बायां? यस सर। ये दोनों जहां भी जाएं, तुम दोनों इनके साथ साथ रहो, यानी कि सेंसर। ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है बेटा, और डूब के जाना है। अरे गाना गाने के लिए कहा था, लेकिन इतने जोर से गाना गाने के लिए तो नहीं कहा था कि खुद ही गिर पड़ो। चलो सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाओगे। चल कबीरा।
फिनिश, एवरीथिंग फिनिश। हम बूढ़ा रॉबर्ट वैसा का वैसा, 25 साल में सब बदल गया, सब खत्म। वर्मा फैक्ट्री फिनिश, अब सरजुदा फैक्ट्री, बंबई का सेठ यहाँ के स्टेट का मालिक होता। वर्मा फैमिली अ ग्रेट फैमिली, बट फिनिश्ड। उनका लड़का रवि वर्मा बंबई से शादी करके आता था, रास्ते में कार एक्सीडेंट, फिनिश्ड। ओहो माँ, मैं रवि बोल रहा हूँ। रवि कैसे हो बेचारा? अच्छा हूँ माँ। माँ हम लोग अदालत में केस जीत गए। हाँ हाँ, सर जुड़ा ने रिश्वत खिलाने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वो जमीन वो जायदाद दोनों मेरे नाम पे हो गए। ईश्वर सच्चे इंसान का हिसाब देता है बेटा। लो माँ, मुझे बात करने दो ना। लो। हेलो, मुबारक हो भैया। मैं पिंकी बोल रही हूँ, पिंकी। अब तुम्हें मेरे लिए ढेर सारी इम्पोर्टेड ड्रेसेस लानी होंगी। हाँ हाँ, आपकी फरमाइश की पूरी लिस्ट याद है मिस ज्योति वर्मा। ज्योति वर्मा, बियर पी है क्या तुमने? पकड़कर मारूंगा तुम्हें। मैंने और बियर? टेलीफोन पे तो बात आ रही है। अच्छा खाओ मेरी कसम, नहीं पी तुमने? हाँ हाँ, कसम की बात है तो ठीक है, एक बॉटल पी है, और क्या। आगे बोलो। देखो माँ कहती है कि शराब पीने से बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं। लो माँ से बात करो। अब माँ ये झूठ। ठीक है माँ, I'm sorry, अब मैं कभी नहीं पीऊंगा। तू जल्दी से खराब बेटा, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। माँ क्या? एक राज की बात बताओ माँ, तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? माँ का गुस्सा दो पल से कभी ज्यादा देखा है इस दुनिया में? माँ मैंने शादी कर ली है। किससे? वही कामिनी से? हाँ माँ, कामिनी से शादी करने का फैसला मुझे आज ही करना पड़ा, वरना उसके भाई और मामा उसे लंदन भेज रहे थे। अब तूने शादी कर ही ली है तो हम क्या कहेंगे? उसे जल्दी से घर ले आ, हम धूमधाम से उसकी शादी करेंगे। माँ तुम दुखी तो नहीं हुई ना? बच्चों का सुख माँ बाप का सुख होता है बेटा। ओह माँ यू आर ग्रेट, मामा यू आर ग्रेट, आई लव यू। तू जल्दी से घर आ बेटा, हम तुम्हारी राह देख रहे हैं। आई प्रॉमिस यू मामा, आई विल डेफिनेटली कम। आई विल कम मामा, आई विल कम, आई विल कम। मैं जरूर वापस आऊंगा मामा, बहुत जल्दी वापस आऊंगा। आ गई है, आज रात को राजा महेंद्र के महल में एक पार्टी है, उसमें तुम्हें बुलाया है, मेरे साथ, मेरे लिए। नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए। छोड़ो टीना, मैं टीना बिना कुछ नहीं चलेगा। चलो चलो घर, जल्दी जाना है पार्टी में, और फिर फर्स्ट क्लास सूट पहनना है, और फिर कभी चाचा कह रहे थे कि पहले मैं उनके साथ चली जाऊंगी फिर तुम्हारा। चलो बैठो ना, तुम क्या करो, चलो तुम गाड़ी चलाओ। मालूम है पार्टी कितनी बड़ी है, वहाँ कितने बड़े बड़े लोग आने वाले। इस अजीब और गरीब घटना से मेरा सर फटा जा रहा है दयाल। ये राज तुम सिर्फ अपने तक ही रखना, क्योंकि लोग विश्वास करने की जगह हंसी उड़ाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वही शहर, वही महल, वही फैक्ट्री जहां मैं पिछले जन्म में रहा करता था। मेरा पुराना नाम रवि वर्मा था, लेकिन मेरा चेहरा एकदम अलग था। मेरे पिछले जन्म की माँ, बहन और बीवी सब कहाँ हैं इसकी कोई खबर नहीं, इसलिए लगता है यहाँ कुछ दिन और ठहरना पड़ेगा। और टीना को जिस रानी साहिबा ने बचपन से पढ़ाया लिखा है उनसे आज शाम को मिलना है, बाकी बातें बाद में लिखूंगा। तुम्हारा मॉन्टी। You stupid, you idiot, can't you see? I can see. लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख सकते। दूसरा जन्म, दूसरा चेहरा, पुनर्जन्म, रवि वर्मा।
तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अंदर पार्टी कितनी जोरों से चल रही है, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं, रानी साहिबा भी है। मैंने उनको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। चलो ना, यहाँ क्या खड़े हो, चलो। देखो रानी साहिबा के सामने बिल्कुल भोले भाले बन के खड़े रहना, कुछ भी मुझे मालूम है, तुम बोलती क्या हो। छोड़ो, बहस नहीं करना, शट अप। मैं मेरी बात सुननी पड़ेगी। और सुनो, अगर गाना सुनाने के लिए कहे तो ज्यादा नखरे नहीं करना, रानी साहिबा एक बार इम्प्रेस हो गए तो सब ठीक हो जाएगा। बात कम। रानी साहिबा दिख नहीं रही, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। गुड इवनिंग रानी साहिबा, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी ना, वो आए हैं। आप जरा उनसे मिलेंगी प्लीज प्लीज। रानी साहिबा वो ही है, वो मॉन्टी। कौन रहता है चौकीदार साहब? एक रानी साहिबा रहती हैं, नौकर चाकर धन दौलत सब तो है साहब, लेकिन एक इंसान की कमी है। सुबह ले जाती हैं, शाम को आती है, पता नहीं साहब कहाँ से जाती हैं, कहाँ आती है। लेकिन कहते घोड़े की पिछाड़ी और बड़ों की आगाड़ी कभी नहीं जाना चाहिए साहब। लेकिन हमें क्या करना साहब, अपन तो मजदूर आदमी है, पगार से मतलब है, पगार लेते हैं अपन चले जाते हैं। कमाल आदमी, नो डिस्कशन, कमिंग एंड गोइंग। रवि वर्मा की मौत एक्सीडेंट से हुई, ये खबर कामनी देवी ने सबको सुनाई। लेकिन एक ही साल में साहब उस औरत ने दोनों बेसहारा औरतों को घर से निकाल दिया। उस वक्त कामनी देवी महल और फैक्ट्री की मालिकन बन चुकी थी। मैं क्या बोलता साहब, मैं तो एक मामूली नौकर था। एक दिन उसकी साजिश कामयाब हो गई। आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि मैं आत्महत्या कर लूं? मेरे खाने में जहर डाल के मेरी जान लेना चाहती हो तुम? मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? कितनी शर्म की बात है भाभी, कितना गिरा हुआ इल्जाम लगा रही हो तुम, मैं और अपने भाई की बीवी। Shut up you bloody bitch! ये तो अच्छा हुआ कि मैंने बिल्ली को पहले खाना खिला दिया, नहीं तो मेरी बहन ऐसे मरी पड़ी होती। आज इसका फैसला होकर रहेगा। मैं पुलिस को फोन करूंगा दीदी, और इन दोनों हरामजादियों को जेल की चक्कियां ना पिसवा दी तो मेरा नाम भी चरणजीत नहीं, मेरी बहन की दौलत शान और इज्जत से चलती है। आज इस घर में पुलिस आएगी। शांता प्रसाद वर्मा के घर में न कभी पुलिस आई है न कभी आएगी चिरंजीत। बहू बेटे के मौत के आंसू अभी तक नहीं सूखे, पर वर्मा घराने के झगड़े लोगों के सामने तमाशे बन जाए, इससे अच्छा है कि हम ये अपने आंसू और कहीं जाके बहाएंगे। चलो बेटे, अब ये वक्त आ गया है कि वर्मा जी और रवि का बनाया हुआ ये घर भी हम छोड़कर जा रहे हैं। बहू ये घर तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना, हम दूर दूर बहुत दूर चले जाएं। उस दिन के बाद वो माँ बेटी कहाँ गईं किसी को मालूम नहीं। साहब उस दिन से मैंने भी नौकरी छोड़ दी। अगर कोई ये कहे कि वो इस दुनिया में नहीं है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं।